Yes, chapter 4 is AWT, that is abstract window 2. दैट इज एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल का लार्ज नंबर ऑफ बिल्ट इन क्लासेस. तो ये एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल है, ये एक बिल्ट इन क्लासेस प्रोवाइड करता है. इंटरफेसेस एंड मेथड विच अलाउज क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग जीयूआई एप्लीकेशन. सो AWT इज ऑल अबाउट जीयूआई, दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. तो इसमें आप मिलेगा इंटर जिसमें आप बहुत सारे डिजाइनिंग वगैरह, ठीक है, बहुत सारे वराइटीज मतलब डिजाइनिंग वगैरह वो पार्ट मिलेगा. यस, then the AWT classes and interfaces are actually component classes which are helpful to design a standalone desktop application. Using AWT classes we control such as text, label, button, list menu, radio button, checkbox and dialog boxes. yes, तो आप अभी यू ए डब्ल्यू टी में आए हैं, ठीक है. तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखो, जैसे रेडियो बटन है, लेबल है, टेक्स्ट बॉक्स है. तो ये सारी चीज़ें आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके बहुत सारे जो फॉर्म्स वगैरह है डिज़ाइन करेंगे, प्रोजेक्ट वगैरह है जो डिज़ाइन करेंगे. द कंपोनेंट क्लासेस अलाउज अस टू क्रिएट एंड डिज़ाइन रिक्वायर्ड जी यू आई विथ सेटिंग देयर फॉन्ट्स एंड कलर्स. ए डब्ल्यू टी इज़ वेरी यूजफुल टू क्रिएट द जी यू आई एप्लीकेशन. तो जैसे ए डब्ल्यू टी है, ये जी यू आई एप्लीकेशन डिज़ाइनिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज होता है. आपको फॉन्ट्स के ऑप्शन मिलेंगे, कलर्स के ऑप्शन मिलेंगे, ओके. देन जे लेबल है, देन टेक्स्ट बॉक्सेस है, टेक्स्ट एरिया है, मेन्यू है, बटन है, ठीक है. यस, देन कंपोनेंट क्लासेस. वॉट डू मीन बाय कंपोनेंट क्लासेस? All the AWT classes and interface are defined in java.awt package. Following are the list of commonly used AWT component classes. The AWT के जो classes and interface हैं, तो that is defined in java.awt. अगर आप import java.awt import करेंगे आपके program में, ठीक है, तो AWT के अंदर जितने भी classes हैं, interface हैं, उसमें आ जाएंगे, ठीक है. यस, तो अभी ए डब्ल्यू टी कंपोनेंट क्लासेस कौन से है, तो देखो, जैसे बटन, चेकबॉक्स, चॉइस, कलर, लेबल, टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट एरिया, लिस्ट, मेनू, मेनू बार, ओके. सो फॉर बटन इज क्रिएट अ कमांड पुश बटन, ठीक है. तो बटन के कोडिंग पे एक्चुअली आपको बटन के क्लिक पे आपको कोडिंग देना रहता है, ओके. यस, देन चेकबॉक्स क्रिएट अ चेकबॉक्स. Checkbox is for creating checkbox. Choice is for create a pop-up list. Then color, managing the different colors. Label creates a label that display the string as instruction. जैसे अभी ये है यूजर नेम है और उसके आगे टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है. तो यूजर नेम क्या है, ये लेबल है, ओके. और जो लेबल आपने लिया है उस पर उसको आपने एडिट करके नाम क्या दिया है, यूजर नेम, ओके. यस, देन टेक्स्ट फील्ड क्रिएट अ टेक्स्ट बॉक्स फॉर टेकिंग अ इनपुट. बराबर, अभी यूजर के यूजर नेम के आगे मैंने अभी बोला कि जो आगे टेक्स्ट बॉक्स रहता है, तो टेक्स्ट बॉक्स क्यों रहता है, कि यूजर कुछ इनपुट करे उसमें, ओके. यस, देन टेक्स्ट एरिया इट क्रिएट्स अ मल्टीपल टेक्स्ट बॉक्स फॉर अ पैराग्राफ्स, ओके. टेक्स्ट एरिया हम बहुत सारा इनपुट अगर लेना है तो ये क्या करता है, मल्टीपल टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करता है. देन लिस्ट क्रिएट अ लिस्ट बॉक्स. मेनू क्रिएट्स अ पुल डाउन मेनू विच हैज अ मेनू आइटम इन इट. मेनू बार क्रिएट्स अ मेनू बार विच हैज डिफरेंट मेनू इन इट. यस, सो नेक्स्ट टॉपिक इज AWT कंपोनेंट हायरार्की. ऑल कंपोनेंट्स आर AWT आर अचीव बाय क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट एसोसिएटेड क्लासेस विच डिस्क्राइब्स अ रिलेटिव एंड फंक्शनलिटी ऑफ ईच क्लास विद ईच लेवल. तो जैसे देखो, कंपोनेंट के अंदर आता है कंटेनर, देन कंटेनर के अगेन दो टाइप से, जैसे विंडो है, पैनल है, और विंडो में है फ्रेम एंड कैनवास, ओके. यस, सो फर्स्ट इज हम देखेंगे कंपोनेंट. कंपोनेंट क्लास इज द हायरार्की क्लास ऑफ ऑल AWT कंपोनेंट्स. हायरार्की मतलब क्या, कि बहुत सारा स्ट्रक्चर, ठीक है, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, तो उसे कहेंगे हम हायरार्की. दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास दैट कंटेन ऑल क्लासेस एंड मेथड्स ऑफ विंडोज कंपोनेंट, ओके. देन कंटेनर की डेफिनेशन देखो, दिस क्लास इज सब क्लास ऑफ कंपोनेंट क्लास. कंटेनर क्लास इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर पोजिशनिंग कंपोनेंट्स ऑन अ विंडो बाय यूजिंग डिफरेंट लेआउट मैनेज. कंटेनर क्लास हैज़ अ एड रिमूव मेथड फ्रॉम अ विंडो
void add component object. Then next is window. The class is based on the class two windows classes panel frame. We cannot place any component object into a window classes. Okay. So next one is panel. Panel is class implements container. A panel is a group of component which is used recursively and nested inside a frame or applet class. Panel does not have any border, title bar or menu bar. Okay. Then frame. Frame is the actual standalone window that has been border, title bar, menu bar and resizing corners. It is a top level window that has a component object in it. And jo last wala hai canvas. Canvas is the black window on which you can draw a different graphics object. The canvas ek aisa hai ki jis pe aap graphics object draw kar sakte. To wo ek blank window rahe. Okay. Yes. Then event delegation model. Even the delegation event model defines the standard background mechanism to process and generated event. Mechanism of delegation event model is the source generates an event and sends to multiple listener. Create karega, then send karega to multiple listeners. Understanding these parameters, event and source event is an action performed by source event is a result of user action which changes the state of source. And source kya hai? Source is the component object on which action performed. A source can generate more than one type of event. Okay? बहुत सारे इवेंट वो अकर होता है. फॉर एग्जाम्पल एड की लिसनर मेथड रजिस्टर्स द कीबोर्ड कीज विद द इवेंट लिसनर. देन एड एक्शनर लिसनर मेथड रजिस्टर्स द सिलेक्ट एक्शन इवेंट लिसनर्स. लिसनर्स इज द ऑब्जेक्ट विच गेट्स नोटिफाइड व्हेन एन इवेंट ऑकर्स. जब भी इवेंट ऑकर होगा ठीक है तो लिसनर ऑब्जेक्ट गेट नोटिफाइड. There are several methods which are defined in different interface, that is java.awt.event, mouse.listener and keyListener. So mouseListener kya hai? That defines a method related to mouse click. So mouse ke click ke jo method se related hogi. Matlab agar aapko kuch program hai aur wahan pe aapko mouse ke click par kuch action perform honi chahiye. Theek hai? To jo mouse se related jo cheeze rehti hai wo kaun deta hai? MouseListener. Theek hai? Yes. Then key listener defines the related to keyboard and key press. अगर key press पे आपको कुछ event देना है तो that is comes in key listener. Okay? Listener must have been registered with one or more sources to receive the notification. Yes. Then हम next देखेंगे that is event classes. Event classes are at the core of Java event handling mechanism. All the listeners and list methods are also encapsulated with the event classes. So event classes is nothing but at the core Java event handling mechanism. ठीक है? तो Java के event जिसमें handle होते हैं ऐसा mechanism. All the event classes are present at java.awt event package. अभी java.awt.event package में कौन से events आते हैं? तो जैसे action event है, adjustment event है, component event है, container event. And so action event when mouse button is clicked. Okay, then adjustment generated when a scroll bar is manipulated. Scrolling karte waqt jab karein to adjustment ho. Component event generated when a component object hidden show move or resize. So, jab bhi show hoga move hoga ya phir resize hoga tab component event hai wo generate hoga. Yes. Then container event is generated when a component object or added or removed from the container. Focus event generate when a component gains or loses the focus. Key event generated when keyboard key is pressed. Yes. Then event listener. As discussed earlier, listeners is an object which recognizes the occurrence of an event. In Java, listeners the interface which contain methods related to different possibilities of events and that can be performed on a source. Showing all the listener and interface member functions defined under it with a small description, that is label of event listeners are. तो यहाँ पे देखो लिसनर इवेंट्स है उसके मेंबर एंड उसका डिस्क्रिप्शन दिया है ठीक है.
सो फर्स्ट वन इज एक्शन लिस्नर, तो उसका मेंबर है. वॉइड फंक्शन परफॉर्म एक्शन इवेंट. व्हेन माउस बटन इज प्रेस मेनू आइटम इज सिलेक्टेड और लिस्ट आइटम इज क्लिक. ठीक है, तो जब माउस बटन पे क्लिक होता है तब जो ये इवेंट है ऑकर होता है. देन एडजस्टमेंट लिस्नर, वॉइड एडजस्ट वैल्यू एडजस्टमेंट इवेंट व्हेन स्क्रोल बार इज मैनिपुलेटेड. जब स्क्रोल बार मैनिपुलेट होगा तब एडजस्टमेंट लिस्नर जो है कॉल होगा. कंपोनेंट लिस्नर इज फॉर व्हेन एनी कंपोनेंट इज रीसाइज. कंटेनर लिस्नर व्हेन एनी पैनल इज एडेड टू द कंटेनर. एंड फोकस लिस्नर इज व्हेन द एनी कंपोनेंट गेन द फोकस. ओके, राइट अ प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ माउस लिस्नर. तो अभी एक यहाँ पे देखो जावा का प्रोग्राम है जिसमें माउस लिस्नर, मतलब माउस पे कुछ अगर एक्शन आपको देनी है, मैंने पहले कहा आपको, तो ये सो द प्रोग्राम इज अबाउट माउस लिस्नर इवेंट. ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो माउस लिस्नर कि माउस क्लिक पर क्या होना चाहिए. ओके, ये लिस्नर का है, मतलब कीबोर्ड पे अगर कोई की प्रेस करके आपको कुछ प्रोग्राम देना है तो ये देखो ये कीबोर्ड वाला प्रोग्राम. यस, देन नेक्स्ट इज इंडिविजुअल कंपोनेंट क्लासेस. तो उसमें फर्स्ट है बटन. द मोस्ट वाइडली यूज्ड कंपोनेंट इज अ बटन. अ बटन इज आल्सो कॉल्ड अ पुश बटन. ठीक है, तो बटन को हम पुश बटन भी बोलेंगे. द बटन क्लास डिफाइंस फॉलोइंग टू कंस्ट्रक्टर. तो जो बटन क्लास है दो कंस्ट्रक्टर डिफाइन करता है, एक है बटन और दूसरा है बटन स्ट्रिंग str. फर्स्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट अ बटन विदाउट एनी लेबल. ठीक है, तो जो फर्स्ट वाला बटन है एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट विथ अ लेबल ऑन इट. तो उसमें कोई भी लेबल नहीं क्रिएट होता. ठीक है, विदाउट एनी लेबल. फॉर एग्जाम्पल बटन BT1 इक्वल टू न्यू बटन, बटन BT2 इक्वल टू न्यू बटन. द फर्स्ट एग्जाम्पल बटन ऑब्जेक्ट BT1 इज क्रिएट अ पुश बटन विदाउट एनी लेबल. देन सेकेंड ऑब्जेक्ट BT2 क्रिएट्स अ पुश बटन विथ अ क्लिक मी एज अ लेबल. ओके, तो यहाँ पे देखो अगर बटन BT2 इज इक्वल टू न्यू बटन ये देंगे और ब्रैकेट में राउंड ब्रैकेट में अगर आप कुछ वैल्यू दे रहे क्लिक मी, तो क्या होगा जो लेबल बने जो बटन बनेगा ना, तो बटन पे नाम आएगा क्लिक मी. ओके, और जो पहला वाला दिया है बटन BT1 इक्वल टू न्यू बटन, तो खाली बटन क्रिएट होगा, उसका कुछ नाम वगैरह नहीं आएगा. ओके, यस, द बटन क्लास हैज फॉलोइंग मेथड्स विच आर हेल्पफुल फॉर हैंडलिंग इवेंट ऑफ बटन. ठीक है, तो जैसे बटन के इवेंट हैंडल करने के लिए कुछ मेथड्स है. वॉइड सेट लेबल और ब्रैकेट में है स्ट्रिंग str, स्ट्रिंग गेट लेबल ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज. देन सेट लेबल डॉट स्पेसिफाइड लेबल ऑन द बटन ऑब्जेक्ट इज यूज. गेट लेबल मेथड रिटर्न्स द लेबल ऑफ बटन ऑब्जेक्ट. देन इम्पोर्ट java.awt पब्लिक क्लास बटन डेमो एक्सटेंड फ्रेम दैट इज पब्लिक डेमो. देन सेट लेआउट, लेआउट सेट करने के लिए बटन v1 इज इक्वल टू न्यू बटन जो कि खाली बटन क्रिएट करेगा, और जो बटन 2 है उस पर क्लिक मी आएगा. ओके, यस, यस. देन देखो ये साइज वगैरह विजिबल, सेट विजिबिलिटी ट्रू मतलब विजिबल होने के लिए बटन दिया है. ठीक है, वैसे ही लेबल का दिया है. देखो यहाँ पे प्रोग्राम, अ लेबल इज अ स्ट्रिंग विच इज यूज टू इंटरैक्ट विद द यूजर. लेबल क्लास हैज अ फॉलोइंग कंस्ट्रक्टर. जैसे लेबल है, लेबल स्ट्रिंग है, और लेबल स्ट्रिंग इंट आउट.
फैक्टर है, क्रिएट्स अ ब्लैंक, क्रिएट्स अ लेबल विद स्पेसिफाइड टेक्स्ट इन इट। ओके, तो लाइक पहला जो है ये देखो ऊपर वाला लेबल, और ऊपर खाली राउंड ब्रैकेट में एम्प्टी राउंड ब्रैकेट है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक एम्प्टी लेबल क्रिएट करेगा। और जो सेकेंड वाला कंस्ट्रक्टर है, क्रिएट्स अ लेबल विद स्पेसिफाइड टेक्स्ट ऑन इट, ठीक है। यस, द थर्ड कंस्ट्रक्टर क्रिएट्स अ लेबल विद स्पेसिफाइड टेक्स्ट एंड अलाइनमेंट स्पेसिफाइड बाय हाउ। द अलाउड वैल्यू फॉर हाउ मस्ट बी वन द स्टैटिक कंस्ट्रक्टर लेबल, लेफ्ट लेबल, राइट लेबल, सेंटर। ये क्या है, अलाइनमेंट है, ठीक है। तो अलाइनमेंट के लिए वो जो थर्ड वाला कंस्ट्रक्टर है वो यूज होता है। फॉलोइंग मेथड्स यूज विथ लेबल ऑब्जेक्ट, दैट इज वॉइड सेट टेक्स्ट, स्ट्रिंग गेट टेक्स्ट, वॉइड सेट अलाइनमेंट एंड इंट अलाइनमेंट। यस, देन नेक्स्ट वन इज चेक बॉक्स। चेक बॉक्स इज यूज टू चेक द मल्टीपल ऑप्शंस अमंग अ ग्रुप। चेक बॉक्स कैन बी चेक और अनचेक टू चेंज इट्स स्टेट्स, एंड हियर आर द कंस्ट्रक्टर्स ऑफ चेक बॉक्स। तो अभी आगे है, हमने पहले कौन से देखा, बटन देखा, राइट लेबल देखा, अभी हम चेक बॉक्स देखते हैं। तो चेक बॉक्स देखो एम्प्टी एंड सॉरी राउंड ब्रैकेट ओपन एंड राउंड ब्रैकेट क्लोज है, तो वो ये क्या करेगा, एम्प्टी चेक बॉक्स क्रिएट करेगा। ओके, सेकेंड वन इज चेक बॉक्स स्ट्रिंग एसटीआर। फर्स्ट फॉर्म अ कंस्ट्रक्टर क्रिएट्स अ चेक बॉक्स विदाउट लेबल एंड हुज इनिशियल स्टेट इज फॉल्स। सेकेंड कंस्ट्रक्टर क्रिएट अ चेक बॉक्स विद अ लेबल स्पेसिफाइड एसटीआर एंड इनिशियली अनचेक। थर्ड कंस्ट्रक्टर क्रिएट अ चेक बॉक्स विद अ लेबल स्पेसिफाइड बाय एसटीआर एंड स्पेसिफाइड स्टेट। फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ चेक बॉक्स विच कैन हेल्पफुल ड्यूरिंग द हैंडलिंग द इवेंट्स। जैसे देखो वॉइड सेट लेबल है, स्ट्रिंग गेट लेबल है, सेट लेबल एंड गेट लेबल, ठीक है। तो सेट लेबल इज यूज फॉर सेटिंग द लेबल और चेक बॉक्स स्पेसिफाइड बाय एसटीआर स्ट्रिंग, ठीक है। और जो गेट लेबल है, इट रिटर्न्स द लेबल ऑफ इनवोकिंग ऑब्जेक्ट ऑफ चेक बॉक्स एज स्ट्रिंग। तो यहाँ पे देखो एक चेक बॉक्स के लिए छोटा सा प्रोग्राम है, मतलब चेक बॉक्स हम ऐड कर रहे हैं, जैसे पिज्जा, हॉट डॉग, बर्गर, पेस्ट्री, ठीक है। यस,